हेलो दोस्तों, नेचर का कोई भी चीज़ देखते हैं जैसे पहाड़, झरना, नदी या सागर या समुंदर देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके साथ अगर बाढ़ होता है तो और भी अच्छा लगता है। और ज़्यादा बाढ़ हो और किसी नदी के पास हो या समुंदर के पास, और भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बाढ़ के बारे में बताऊँगा, आप सब लोग जानते होंगे, जिस बाढ़ का नाम है हाउस स्पैरो, छोटा सा चिड़िया है। तो चलिए उसी के बारे में बताऊंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दोस्तों कुछ रोचक तथ्य और कुछ जानकारी। तो चलिए चलते हैं उसी के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं विश्व में कई जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन आजकल उसका जो संख्या है कम होते जा रहे हैं। जैसे कि विश्व के एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भी कई जगह में पाए जाते हैं, लेकिन आजकल उसका संख्या कम होते जा रहे हैं। ये पेसोराइड फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। उसका साइंटिफिक नेम पेसोर डोमेस्टिकस है। और अभी आप जो देख रहे हो, ब्लैक कलर का मेल है, दूसरा फीमेल है। ब्लैक कलर का जो मेल है उसका कलर जो है ब्राइट ब्लैक है, और वाइट थोड़ा सा है, और थोड़ा सा ब्राउन कलर का है। और फीमेल जो है तो पहले ब्राउन है और ग्रे कलर का है, और थोड़ा सा वाइट है और कुछ ब्लैक कलर का स्पॉट मार्किंग है, तो आप देख सकते हो। और 25 प्रजाति के पाए जाते हैं, 25 स्पीशीज है। और ये काफ़ी घुल मिल जाते हैं, मतलब शहरों में और कुछ जंगलों में और कल्टीवेटेड लैंड में, और जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब आदमी जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी अच्छी तरह से रह जाते हैं। और उनका जो ब्रीडिंग का टाइम है, मतलब अंडे देते हैं, और मतलब सितंबर से जनवरी के महीने में अंडे देते हैं। और अंडे आप देख सकते हो ग्रे कलर का, पहले ब्राउन कलर का होता है। और जो ब्रीडिंग टाइम जो होता है स्प्रिंग और समर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, और कंडीशन अच्छा हो तो ब्रीडिंग कर लेते हैं। और उनका जो बिहेवियर है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सोशेबल है, और ज़रूरत पर जैसे कि 100 किलोमीटर से भी आगे उड़ के चले जाते हैं और एक न्यू कॉलोनी ढूंढ लेते हैं दोस्तों। उसके अलावा उसका जो वेट है 24 से लेकर 39.5 ग्राम है। उसका जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर है। और दोस्तों उसके अलावा जो नेस्ट बनाते हैं, ग्रास से, स्ट्रॉ से या छोटा मोटा जो स्टिक है उसी से नेस्ट बना लेते हैं। इस तरीके से अंडे रखते हैं और काफ़ी घुल मिल जाते हैं, आपको पता ही होगा, काफ़ी सोशेबल है। और उसका जो खाना है काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि फूल का बर्ड्स हो या दाना हो या ग्रेन हो, वो कोई भी सस्य हो वो अच्छी तरह से ले लेते हैं और एंजॉय भी कर लेते हैं। और जहाँ पे फूड ग्रेन जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं वहाँ पे जाते हैं और उसको दाना भी खा लेते हैं। उसके अलावा वहाँ पे ड्रॉपिंग भी कर लेते हैं और उसके साथ ही वो डैमेज भी कर लेते हैं। और कैटरपिलर इस तरीके का चीज़ है, उन्हें बहुत ही पसंद है और उन्हें झुंड में काफ़ी पसंद होता है, और इस तरीके से वो खाना खाते हैं और काफ़ी एंजॉय भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से वो दाना ले रहे हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स, और उनका संख्या इसीलिए कम होते जा रहे हैं क्योंकि कहा जाता है जो वेब का जो तरंग होता है और नेटवर्क जो होता है और काफ़ी हार्ड होता है, और वो जो बाढ़ से उस हाउस पर सह नहीं पाते हैं, इसी के कारण भी उसका संख्या कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो कमेंट दीजिए। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।